जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, आज की टुडे ब्रेकिंग हेडलाइंस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हां दोस्तों, आइए बात करते हैं, आज हो गई है 1 अक्टूबर मंगलवार, तो तमाम अपडेट जान लेते हैं। जी हां, SBI ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल से यानी कि 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे चेक बुक और ATM सहित 6 बड़े नियम। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में खाता है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 1 अक्टूबर 2019 से SBI के लोन, चेक बुक, ATM, मिनिमम RTGS और NEFT सहित 6 नियम बदले जा रहे हैं। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने चेक द्वारा किए जाने वाले लेन देन को महंगा कर दिया है। बैंक ने सेवा शुल्कों की नई सूची जारी की है। इसके मुताबिक अब बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 25 की जगह 10 चेक मुक्त देगा। इसके बाद चेक देने व लेने पर ₹40 देने होंगे, जबकि पहले मुक्त चेक बुक के बाद 10 चेक लेने पर ₹30 देने पड़ते थे। इसमें GST अब अलग से चुकाना होगा। और दूसरा नियम यह है कि SBI ने चेक रिटर्न्स के नियमों में एक सर्कुलर के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद कोई भी चेक किसी तकनीक के कारण बाउंस के अलावा वापस लौटता है तो चेक जारी करने वालों पर ₹150 और GST अतिरिक्त चार्ज देना है और वह चार्ज ₹168 होगा GST मिलाकर। वहीं तीसरा नियम है कि 1 अक्टूबर से SBI में ATM चार्ज भी बदले जाएंगे। बैंक के ग्राहकों को मेट्रो शहर में SBI ATM से अधिकतम 10 बार ही फ्री डेबिट लेन देन कर सकेंगे। मौजूदा समय में यह लिमिट 6 लेन देन की है। और एक नियम यह है कि SBI ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि सभी प्रौद्योगिक ब्याज दर वाले ऋणों के लिए हमने ब्याज दर बाहरी मानक द्रव्यों द्वारा अपनाने का निर्णय किया है। लघु या उद्योग ऋण, आवास ऋण और अन्य खुदरा ऋणों पर यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी होंगी। और एक नियम यह है कि 1 अक्टूबर से मेट्रो शहर में ग्राहकों के लिए मंथली मिनिमम बैलेंस की रकम घटाकर ₹3,000 कर देगा, जो अभी भी ₹5,000 है। इसके अलावा पूर्ण सरकारी इलाकों में खाता धारकों को मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाला चार्ज भी कम कर दिया गया है। इससे ग्राहकों के खाते में 75% से कम राशि हुई तो ₹15 GST के साथ जुर्माना लगेगा, जो अभी ₹80 और GST लगता है। वहीं 50 से 75% राशि कम होने पर ₹12 और GST लगेगा, जो अभी ₹60 GST के साथ है। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का शुल्क भी बदलने जा रहा है। ₹10,000 तक का NEFT लेन देन पर ₹1 के साथ ही GST लगेगा। वहीं 2 लाख से अधिक की राशि NEFT कराने पर ₹20 के साथ ही ग्राहकों को GST देना होगा। RTGS के 2 लाख से 5 लाख तक के भेजने पर ₹20 के साथ ही GST लगेगा। ₹5 लाख से ज्यादा के लेन देन पर ₹40 प्लस GST चार्ज लगेगा। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, बिहार जल भराव के चलते कई ट्रेनें कैंसिल हुए, कुछ ट्रेनों में रूट में भी बदलाव कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में कई दिनों से जारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में ट्रेनों को संचालन में भी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास के क्षेत्र में जल भराव की समस्या को देखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रूट में बदलाव कर दिया गया है, कुछ को कैंसिल भी कर दिया गया है। बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पटना के कई इलाकों में 6 से 8 फीट तक पानी भर गया है। वहीं NDRF की कई टीमें राहत और बचाव का काम में लगी हुई हैं। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो हुई लॉन्च, मिलेंगे 10 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स। जी हां, 10 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ ही मारुति सुजुकी ने मिनी SUV एस्प्रेसो को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 4 वेरिएंट मिलेंगे, जिसमें से स्टैंडर्ड, LXI, VXI एंड VXI प्लस शामिल है। दिल्ली में इसकी एक्सोरूम कीमत ₹3,69,000 से शुरू होती है। यह 6 कलर्स फीचर्स में उपलब्ध है। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी ₹500 से ज्यादा कम हो गई है। जी हां, नई दिल्ली वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही गिरावट के कारण दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना ₹200 उतरकर ₹39,020 प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी ₹525 लुढ़ककर ₹45,800 प्रति किलोग्राम पर आ गई। लंदन एवं न्यूयॉर्क में मिली जानकारी के अनुसार सोना हाजिर आज $9.40 टूटकर $1,487.20 प्रति औस पर रह गया। दिसंबर का यह अमेरिकी सोना $13.70 लुढ़क कर $1,492.70 प्रति औस पर बोल गया। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने का मूड में है। जल्दी मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता DA बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस पर केंद्रीय कैबिनेट जल्द मोहर लगा सकती है। जी हां, इसकी वजह से 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनरों को सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 7वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों की सैलरी में ₹11,600 प्रति महीने का फायदा हो सकता है। दरअसल अभी भी 7वां वेतनमान पा रहे एक कर्मचारी की सैलरी ₹900 है, लेकिन महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद ये ₹12,500 प्रति महीने तक पहुंच जाएगा, जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों को होने वाला है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद है ये जरूरी अपडेट्स आप सभी को जानने को मिली होंगी। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दिया उसको भी दबा।
दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय जवाहर।